जैसा कि आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बैगन हैं और हम इसे आज बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे। इसी तरह से हम सारे बैगन को साफ कर लेंगे। ये देखिए अंदर से चेक करेंगे कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है बैगन में सारे। तो आप वीडियो पे बने रहें फ्रेंड्स, और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें। बैगनों को हमने साफ कर लिया है और ले लिए हरी मिर्च, बेसन, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, दही और ये कुछ मसाले हैं, मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ये सौंफ पाउडर, ये सब हम यूज़ करेंगे इसमें। तो आइए शुरू करते हैं बैगन बनाना, स्पेशल बैगन। सबसे पहले ले लेंगे यहाँ धनिया, मिर्च पाउडर और ये ले लेंगे सौंफ पाउडर। सौंफ पाउडर बहुत ही टेस्टी लगता है बैगनों में, ज़रूर डालिएगा आप। और थोड़ा ले लेते हैं और धनिया पाउडर भी और ले लेंगे, थोड़ा मसाला भरने में थोड़ा सा चाहिए। ये वाली चम्मच दही ले लेंगे और ये दही भी इसमें, इसका पानी हम डाल लेते हैं दही का। प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट है ये इसमें डाल देंगे। हल्दी पाउडर और ये मिर्च पाउडर और ये नमक, और इसमें नमक डाल देंगे मसाले में और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और बेसन में थोड़ा पानी डालेंगे, जैसे हम पकौड़ी बनाते हैं ना उसी टाइप का हम बेसन का घोल बना लेंगे। और खूब अच्छी तरह इसको फेंटेंगे, हमें इसको बहुत अच्छी तरह से फेंटना है फ्रेंड्स, बेसन को बहुत अच्छी तरह फेंटना है जितना। और अब एक एक करके ये बैगन हम भर लेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बैगन को हमने भर लिया है, ऐसे ही हम सारे बैगन भर करके तैयार कर लेते हैं। सारे बैगन हमने भर लिए हैं, देखिए फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हम सारे बैगन भर करके हमारे तैयार हो गए हैं इस प्रकार। और अब हम ले लेंगे कढ़ाई में, गैस को हमने ऑन कर लिया है, और ले लेंगे मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा हम डाल के देख लेते हैं ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। इसको डिप करेंगे, और एक बार इसको पलट देंगे और गैस को स्लो करके हम इन बैगनों को निकाल लेते हैं। पैन फ्राई हो चुके हैं फ्रेंड्स, और कढ़ाई में से थोड़ा ऑयल कम कर लेंगे और इसी ऑयल में बनाएंगे ये। इसमें डालेंगे ये जीरा, साबुत जीरा डाल दिया है, हींग, और अब डालेंगे ये मसाला। दही को खूब अच्छी तरह हमने फेंट लिया है, ये हमने 4 से 5 चम्मच दही ले लिया है और अब डाल देंगे ये दही, डालेंगे पानी को। अच्छे से हमें मसाला भूनना है और अब डाल देंगे ये जो पानी, जो हमने बेसन घोला था ना उसी में थोड़ा सा पानी डाल करके हमने चला लिया है, इससे ग्रेवी को एक थिकनेस मिल जाएगी। और इसको तुरंत चला देना है, बेसन का पानी है ना इससे बहुत अच्छी एक ग्रेवी में बहुत अच्छी थिकनेस आ जाती है, जैसे कॉर्नफ्लोर से आती है। इसमें डाल देंगे थोड़ा पानी, और अब डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालना है। इसको हाई फ्लेम पे करेंगे और डाल देंगे एक एक बैगन। कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और इन बैगन को ना आप इस तरीके से
फ्राई करके भी खा सकते हैं। और अब इनको इसको पलट लेंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें।